चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करना चाहती है चुनाव से पहले, और उनका लक्ष्य पहले दिन से रहा है कि समाजवादियों को कैसे बदनाम किया जाए और खास कर के मुसलमानों को लेकर के उनकी जो सोच है वो अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये सोचिए, एक मुख्यमंत्री योगी, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई योगी अगर वो लोकतंत्र पर भरोसा नहीं करता है और कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा नहीं करता, वो योगी नहीं हो सकता है। मैं तीन घटनाओं का उदाहरण देना चाहता हूं आपके सामने जी। पहली घटना हाथरस, जिसमें एक साधु संत के कार्यक्रम के लिए परमिशन के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक और नेताओं ने लिखा था, लेकिन जो प्रशासन को काम करना चाहिए था जिस जिम्मेदारी से सुरक्षा और उन चीजों का इंतजाम करना था वो नहीं किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। न केवल जान गई है, उनका नुकसान हुआ बड़े पैमाने पर, बहुत से लोगों का हाथ पैर या जो भी नुकसान हुआ उसका कोई मदद सरकार ने नहीं की। दूसरा, आपने देखा होगा गोमती नगर में जो भी बना, और जो मुख्यमंत्री ने सदन में ये कहा, सूची तो हालांकि बहुत लंबी थी, इसमें पुलिस का दोष कम है, पुलिस तो पूरी सूची दी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री और सरकार वो ये चाहती है कि पुलिस भी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता बन जाए। ये जो नए तरह का काम हो रहा है कि पुलिस को भी ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बना रहे हैं। जब पुलिस ने सूची दी सब नामों की, तो आखिरकार मुख्यमंत्री जी ने केवल यादव और मुस्लिम का नाम क्यों पढ़ा? और सच्चाई पुलिस भी जानती है कि जिसमें कि यादव का जिसका नाम लिया है, सुनने में आ रहा है कि वो फुटिंग में नहीं था, जो कैमरे की जो तस्वीर है उसमें नहीं है, वो कैमरे में नहीं था, क्योंकि वो चाय पीने गया था और पुलिस को यादव मिल गया इसलिए उसको जेल भेज दिया। मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, ऐसे लोग जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनकर के काम कर रहे हैं, जब कभी भी सरकार आएगी ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी।